कल्याण भूमि सेवा समिति की आवश्यक बैठक अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर नगर पालिका की ओर से मुख्य कल्याण भूमि पर बनाए गए शेड व बैठने के ग्रेनाइट बेंचों का लोकार्पण पूर्व विधायक गंगाजल मील व पालिका अध्यक्ष परसुराम भाटिया ने किया। बैठक में नगर पालिका के नवनियुक्त परसुराम भाटिया का समिति की ओर से अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय व वरिष्ठ सदस्य भागीरथ सुथार ने माला पहनाकर स्वागत किया। अपने संबोधन में पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने कार्यभार ग्रहण करते ही कल्याण भूमि के मुख्य गेट पर भव्य बनाने के लिए टेंडर लगा दिया है और शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कल्याण भूमि परिसर में एक हाई मास्क, 5 बत्ती लाइट, 5 पेशावर, 1 इंग्लिश सीट का शौचालय व अंतिम संस्कार स्थल पर कुंडियों का निर्माण नगर पालिका की ओर से करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि हाईलाइट मास्क इसी सप्ताह के अंदर लगवा दी जाएगी। पूर्व विधायक गंगाजल मील ने अंतिम संस्कार स्थल की चारों ओर चार दीवारी पर धार्मिक स्लोगन लिखवाने का सुझाव दिया, जिस पर समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में जन संभागी योजना के तहत बनने वाली कल्याण भूमि की चार दीवारी के लिए जिला कलेक्टर से मिलने वाले व कल्याण भूमि परिसर में रंग रोगन करवाने के पर भी बैठक में कल्याण भूमि अध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय, सचिव इंद्र चंद्र सिरोहिया, सह सचिव भीम जोशी, प्रवक्ता नवल किशोर भोजक, संरक्षक डॉक्टर के एल बंसल, भागीरथ सुथार, सुभाष सोनी, भरत पुरोहित, धनराज स्वामी, सोहनपुरी, रोशनलाल लीला, विनोद जाखड़, आनंद कुमार, रीटू सिंह, अनिल यादव, मैनेजर शंकरलाल शर्मा उपस्थित थे। सचिव इंद्र चंद्र सिरोहिया, प्रवक्ता नवल किशोर भोजक ने सभी का आभार प्रकट किया। कल्याण भूमि की आज की बैठक में मुख्य रूप से नगर पालिका द्वारा आम लोगों के बैठने के लिए जो ग्रेनाइट पत्थर की बेंचें बनाई गई थी उनका और एक विभिन्न क्रियाओं के लिए 10 कातर आदि के लिए शेड बनाया गया था उसका आज पूर्व विधायक गंगाजल मील और पालिका अध्यक्ष परशुराम भाटिया द्वारा लोकार्पण किया गया। इसके अलावा कल्याण भूमि की अन्य समस्याओं पर भी आज चर्चा हुई। नगर पालिका की ओर से कल्याण भूमि में 5 पेशाबघर और 1 टॉयलेट बनवाने तथा जो कुंडियाँ हैं अंतिम संस्कार स्थल की उनका पुनर्निर्माण करने की पालिका अध्यक्ष ने घोषणा की। इसके अलावा यहाँ पर एक हाई मास्क लाइट की भी पालिका अध्यक्ष ने लगवाने की घोषणा की।